आने वाली 7 और 8 तारीख सूबे के इतिहास में एक स्वर्णिम इबारत दर्ज करने वाली है, क्योंकि बीते 18 सालों में पहली बार लगभग 74,000 करोड़ का निवेश हो रहा है। देश के बड़े औद्योगिक घरानों का जमावड़ा होने के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी एक नया इतिहास रचेगी। इसको लेकर सूबे की राजधानी समेत कई स्थानों पर सरकार बड़े आयोजन कर रही है। सूबे में अब औद्योगिक निवेश के साथ पर्यटन को भी लेकर बड़ी संभावनाएं बनती नजर आ रही हैं। इसको लेकर सचिवालय में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज और सचिव पर्यटन दिलीप जावलकर की मौजूदगी तकरीबन 3600 करोड़ का करार किया गया है। सूबे में अब सरकार पर्यटन के क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठा रही है। बीते दिन कैबिनेट में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिए जाने के बाद और नई पर्यटन नीति को लागू करने के बाद एक बड़ा करार पर्यटन विभाग के लिए और सूबे के लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है। इस करार में योगा वेलनेस, हॉस्पिटलिटी और रोपवे सेक्टर में निवेश होगा। अभी अभी एमओयू साइन हुए हैं, मुझे ये घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि टूरिज्म सेक्टर के अंदर 3600 करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं, जो रोपवे सेक्टर में, योगा एंड वेलनेस सेक्टर में, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में जहां के होटल बनेंगे और मोटल बनेंगे जो सड़क के किनारे होते हैं, इस सेक्टर के अंदर अभी लोगों ने 3600 करोड़ के एमओयू साइन किए हैं। इसके साथ साथ जो अपेक्षा आई है हमारे पास, जो लोगों ने इंटेंशन जाहिर की है, अपना संकल्प जाहिर किया है, वह है 13,300 करोड़ का। तो यह हमारे टूरिज्म के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई देना चाहता हूँ जो उत्तराखंड में पूर्ण कमल खिला रहे हैं, और निश्चित रूप में जो उनका एक लक्ष्य रहा है कि हम लेमन ग्रास टूरिज्म को बढ़ावा देंगे, हम लोग यहाँ पर जो मटर है, अखरोट हैं, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं उसको भी प्रोत्साहन देंगे, तो उत्तराखंड का जो प्रोडक्ट है, उत्तराखंड की जो चीज़ें हैं, उत्तराखंड का जो उत्पाद है, उसको महत्व मिलेगा। इसके साथ साथ हमारा टूरिज्म भी बुलंदियों पर जाएगा। पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिलने और पर्यटन नीति के लागू होने के बाद 18 साल बाद यहाँ के पर्यटन को सरकार सूबे के लोगों के लिए आय और रोजगार से जोड़कर लाभान्वित करने के प्रयास में लगी है। इसका लाभ जहाँ सूबे में पर्यटन क्षेत्रों का विकास करेगा, वहीं आम जनता के लिए आय और रोजगार के अवसर विकसित करेगा। देखिए, पर्यटन का क्षेत्र एक ऐसा है कि जिसमें सर्वाधिक लोगों को रोजगार मिलता है, और आज लगभग 3600 करोड़ के एमओयू हुए हैं, और इसी तरह से लगभग लघु और मध्यम उद्योगों के एमओयू साइन हुए हैं, कुछ और भी जो छोटे उद्योग हैं एमएसएमई के अंतर्गत, कुछ और भी उद्योगों के प्रस्ताव आए हैं, और अभी जो क्रम है निवेशकों का आने का वो लगातार जारी है। तो मैं समझता हूँ कि जो राज्य सरकार की जो चिंता थी कि निवेश हमारे राज्य में आए, वो अच्छा संकेत है। निवेश आएगा तो रोजगार मिलेगा, ये बड़ी स्वाभाविक बात है, और हमारा प्रयास है कि अधिकतम जो नौजवान हैं हमारे, शिक्षित हैं, कुछ स्किल्ड जो मैन पावर हमारी है, उनको रोजगार मिले। सूबे में होने वाले ऐतिहासिक इन्वेस्टर समिट को लेकर जहां सरकार पूरे दमखम से लगी हुई है, वहीं इस समिट में औद्योगिक निवेश के अलावा पर्यटन को लेकर अब संभावनाएं बढ़ती नजर आ रही हैं, जिससे आने वाले दिनों सूबे को पर्यटन की दृष्टि से लाभ मिलेगा। भारत खबर के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट, अजस पीयूष।